पहले बिजली का झटका और अब ये बंदूक, किसकी है ये? इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये हम में से किसी को मारना चाहता है। अगर हम लोग सब मिलकर उस कंपनी से ये विनती करें कि हमारे माल को वो ले ले। भाई साहब, ये यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी ना? भैया पिछले 10 साल से यहाँ ताला लटका हुआ है। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, ये 9 दिन बहुत खास है धैर्य सर। नवरात्रि के 9 दिनों में हम अलग अलग देवियों का आवाहन देवलोक के समस्त देवगणों के साथ मिलकर करेंगे। मॉम, चलिए। अरे, इस वक्त कहाँ चलना है? वही जहां जाकर आपके दिल को तसल्ली मिलेगी। आप चलिए तो सही मॉम, आपको बताता हूं मैं। संभाल के वहां रखते सर। पारस ने अपना सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट किया है। मॉम, कल की पार्टी में जो हमने चाचा जी और चाची जी के दिल को कुरेड़ा था ना, यही समय है उनके जख्म पे नमक छिड़कने का। हाँ, वैसे भी दुश्मन को तड़पता हुआ देखने का मजा ही कुछ अलग है। चलिए मॉम। मॉम, क्या हुआ? एक मिनट। ये लीजिए, इसे अपनी साड़ी में छुपा लीजिएगा। और हाँ, जब मौका मिले ना तो इसे अंदर रख दीजिएगा। पकड़ी। ये क्या है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मॉम, पर एक बात ध्यान रखिए, ये डब्बा खुलना नहीं चाहिए। ओके, चलिए। एक मिनट। हाँ, मैंने सोचा था कि इनको बेच के अपने लिए खुशियां खरीद लूंगा, पर अब तो हमारी बची हुई खुशियां भी छीन गई। पता नहीं 10 दिन में हम ये सारे पैनल कैसे बेच पाएंगे। ये बिकेंगे भी और खुशियां भी आएंगी। पता है, जब हम छोटे थे ना तो पिताजी हमें कहानी सुनाया करते थे, एक आदमी की कहानी जिसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के पत्थर की गुफा में बंद कर दिया था। उस आदमी का वहां दम घुटता था, वो वहां से किसी तरह बाहर निकलना चाहता था। निकलने की चाहत में वो रोज बिना रुके उस पत्थर पर हाथ मारता रहता था। एक दिन अचानक हाथ मारते मारते उस पत्थर की गुफा का एक पत्थर खिसक गया और वो आदमी वहां से बाहर निकल आया। बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। फिर वो घबरा गया कि अब वो वहां से घर कैसे जाए। फिर उसकी नजर अचानक एक नदी पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो ये वही नदी थी जो उसके घर के पीछे बहती थी। बस उस नदी के सहारे वो अपने घर पहुंच गया। वो आदमी अगर हार मान जाता और पत्थर पर हाथ पाना बंद कर देता तो बाहर कैसे निकल पाता, है ना अच्छी कहानी? हाँ संतोष, पर वो कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता है। कहानियां जिंदगी से ही बनती है, दिमाग से नहीं। एक्सक्यूज मी, सोलर पैनल यही मिलते हैं?
अभी आप यहाँ क्यों आई? कल कुछ कसर बाकी रह गई थी, इसलिए आप यहाँ चली आई आज। अरे चाचा जी, हमें आपका एक सोलर पैनल खरीदना था, कितने का पड़ेगा? अंकुर, हम सोच रहे थे कि इनका सोलर पैनल लेकर हम करेंगे क्या, क्योंकि वो भी धैर्य की तरह किसी काम का नहीं होगा। हमारे पति कितने लायक हैं ये तो समय ही बताएगा। और मधु मैडम, अगर हमारे पति किसी काम के नहीं हैं तो इनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? जब देखो पीछे पीछे लगी रहती है, डर लगता है ना कि कहीं अपनी बुद्धि और मेहनत से आप लोगों से आगे ना निकल जाए। संतोषी, अपनी हद में रहकर बात करो, वरना वरना क्या भाभी? हद संतोषी नहीं, आप पार कर रही हैं, आप पार कर रही। अरे चाचा जी, हम तो आपकी मदद करने आए थे, पर आप है कि वैसे चाचा जी, हम आपके सारे सोलर पैनल्स खरीद सकते हैं और आपको आपकी मुसीबत से निकाल भी सकते हैं, पर एक शर्त है। चाचा जी, आपको मेरी मॉम के आगे झुककर, गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करना होगा। तो शायद हम मान जाए और आपके सारे सोलर पैनल्स खरीद लें। अंकल, कीचड़ में हाथ मारेंगे तो अपना ही हाथ गंदा होगा, खामखा फिर बाद में साफ करना पड़ता है ना। तुम कह रही हो ना, तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन इस कीचड़ को अपने घर में रहने भी नहीं दूंगा। तू सॉरी, लातों के भूत बातों से नहीं भागते, निकल जा यहां से, और एक से भी बोला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जाने दीजिए ना। चलो अंकुर, इन दो कौड़ी के लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, हम तो इनकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है इन्हें भिखारी बनकर रहना ही रास आता है। अच्छा, तो फिर आए क्यों थे मेरे घर पे? चलिए चलिए। बदतमीज अंकुर, हमने अपना काम कर दिया है। अच्छा ये तो बताओ, उस बॉक्स में है क्या? उनकी मौत। दिन ये लोग ना सर पे चढ़ गए, इनका इलाज करना पड़ेगा। गुस्सा थोप दीजिए, चलिए बैठिए। यहाँ कितनी बार कहा है कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं सुनते कहाँ आया। चलिए पानी पीजिए पीजिए। अगर ये अंकुर हुआ ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ दीजिएगा, यही तो वो चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप बात बात पे झगड़ा करें और आपका काम से ध्यान हट जाए, समझिए ना।
शांति से बात कीजिए। अरे आप आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे केस की जांच कर रहे हैं, तुम इनको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताओ ताकि ये कल्प्रिट को पकड़ सके। इंस्पेक्टर साहब, पारस जी की जो कंपनी है, इसे ज्वाइन करने से पहले हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। ये मामला तो साइबर क्राइम का है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत जल्द गुनेगार को पकड़ लेंगे। लेकिन उसे पकड़ने के बाद भी क्या होगा, वो हमारे नुकसान की भरपाई तो नहीं करने वाला ना। मैं जानता हूं तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज मैं बुरी तरह फंस गया हूं। पारस भैया, माता रानी की आशीर्वाद और अपनी मेहनत से अगले 10 दिनों में हम आपको इस परेशानी से बाहर निकाल देंगे। संतोषी सही कह रही है। पारस जी प्लीज भरोसा रखिए मुझ पे, मैं दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर निकलेगा। हम करके देखेंगे, हम बेच देंगे इसको सारे के सारे। आई विश कि ऐसा ही हो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। पारस जी घबराइए मत, कोई भी चालाकी कानून के सामने ज्यादा देर नहीं टिकती। हमारे पास ढेरों तरीके हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। अगर गुनेगार पकड़ा जाता है तो आप उस पर मानहानि का दावा करके अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। मेल कहां से आया, किसने किया, वो तो साइबर सेल वाले बता देंगे, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि हम मुजरिम को जल्द पकड़ लेंगे। ओके ठीक है, चलते हैं। माता कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे बड़की भाभी, माना करो है, अरे माना करो, घर की बड़ी हो तुम, है ये छोटे हम, हक हमारा है, हमें करने दो। अच्छा रिया जीजी, करने दो ना इनको, करना चाहते हैं तो बारामंगी में तो नहीं करते थे। अरे वो क्या है, वो छोटा शहर है, वहाँ नहीं हो पाता हमसे, बड़े शहर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हमें करना पड़ेगा, तो हमको तो मधु जी आ जाएंगी। अरे जीजी ऐसा ही तो कह रहे हैं गुड्डू के पापा, वो तुम जानती हो मधु जी के उका कह क्या, हाँ बॉडी गार्ड है, परम प्रिय सेवक है, सेवक है, मैनेजर बनने वाले डायरेक्टर करने दो ना। बस बस बस, अच्छी तरह जानते हैं कौन सा अभियान का साफ करना चाहती हूँ और कैसे साफ करना चाहती हूँ। तुम्हारा मन ही मैला है, उसे कौन साफ करेगा बताओ। अरे छोड़ो, अरे हटो, छोड़ो। वही भैंस पानी है, बहुत मजा आएगा। वह है पापा, ए अम्मा, तुम कहा कर रहे हो यार, साला इतने बड़े बंगले में आके हमारी मट्टी पलीद करने में काहे लगे हो। हम कहा कर रहे हैं, ये तुम्हारी मम्मी, नहीं नहीं ये हम बता रहे हैं, सुधर जाओ वरना ना हम अपनी सूटी मैडम को बोल के ना आपको वापस 12 मंकी भेज देंगे। हाँ इट्स ओके गुड्डू, इट्स ओके, एक वास ही तो टूटा है, क्यों डांट रहे हो इन्हें। वैसे भी हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है, हम चले। बाय, इट्स ओके। बल्कि भाव जी थैला ले रहा था, एक काम करते हैं मधु जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे कि उनका परम प्रिय सेवक कौन है यहाँ पर है। भैया क्या सोच रहे हैं आप, पूरी पार्टी में डाकू बने फिरते रहे लेकिन गोली नहीं चला पाए। अरे इसी बात का तो पछतावा हो रहा है, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अगर यहाँ रिग्रेट करते रहे तो हो गया, जाइए अपना काम खत्म कीजिए और मुक्ति पाइए। अरे पागल हो गए हो क्या, ऐसे चले जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। पार्टी में तो इसलिए प्लान किया था कि वहां किसी को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने चलाई। तो फिर क्या अगली पार्टी का वेट करेंगे आप? अरे नहीं, अब कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा, हमसे ये घुटन भरी जिंदगी और नहीं जी जाती। उज्जवल जब तक संतोषी मां का साथ है
एक दूसरे के साथ हैं तब तक हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। पता है, मुसीबत में अगर कुछ हौसला देता है तो वो है किसी अपने का साथ, है ना? जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है, तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बनी हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा। देखिए हम किसे लेकर आए हैं, ये पप्पू भैया, ये हमारे यहाँ मोहल्ले में रहते हैं। जैसे हमें दीदी ने सोलर पैनल के बारे में बताया था, हमने ये खबर तो आपकी तरफ पूरे मोहल्ले में फैला दी। फिर क्या हुआ, यही सोचा कि किसी को भी सोलर पैनल चाहिए होगा तो सीधा आपके पास आएगा, और क्या हुआ, पप्पू भैया आ गए। हाँ तो हम जरूर बेचेंगे आपको सोलर पैनल, कितना चाहिए आपको? लगता है कि ऑर्डर बहुत लंबा करने वाला है, क्योंकि काउंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। आप मुझे दो पैनल दे दीजिए। क्या, अरे अगर दो पैनल चाहिए तो फिर इतने से इतना काउंट क्या कर रहे थे तुम बैठ के? वो तो मैं ये जोड़ रहा था कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं। देखिए, हमें कोई सोलर पैनल नहीं है हमारे पास, नहीं बेचना हमें, चले जाइए, वो सारे खाली डब्बे। आप जाइए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। क्या किया आपने? और तुम, ये कोई सब्जी की दुकान है जो दो पैनल बेचेंगे हम यहाँ पे? अरे 2500 पैनल बेचना है हमें, अगर ऐसे बेचते रहेंगे ना तो 6 महीने लग जाएंगे, हमारा टारगेट कब पूरा होगा? उस पर क्यों बढ़ के जा रहा है, वो तुम्हारे भले की ही सोच रही थी ना। अरे दीदी डोंट वरी, जीजू की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बबली एक काम करोगे, जाकर वो पप्पू भैया को दोबारा से बुला कर लाना। हाँ, हम अभी जाते। संतोषी, तुम सच में दो पैनल बेचोगी? तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम जानते हैं कि सारे पैनल एक साथ नहीं बेच पा रहे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना, दो चार बेचते बेचते 1000 तक भी पहुंच जाएंगे। अब 1000 कदम चलना हो तो पहले 1-2 कदम चलते हैं कि सीधा 1000 कदम चल देते हैं? बुराई क्या है? अरे बुराई ये है कि ये 2500 पैनल हम 10 दिन में नहीं बेचे ना तो पुलिस हमारे घर के पास होगी, हम जेल के अंदर। अब दूर का सोच करना, अभी से ही परेशान मत होइए। तुम्हें जो करना सो करो यार। दीदी वो तो चले गए, नहीं मिले। अच्छा, वो चले गए, अगर वापस आता ना मुंह तोड़ देता मैं उसका। ऐसे मत बोलिए ना, 2-3 बेचेंगे तब जाकर 1000 तक बेचेंगे, घूम घूम करके ही तो घड़ा भरता है ना। माफ कीजिए, मैं फिर से आ गया। दरअसल जाते जाते मैंने ये सोचा कि दो पैनल की वजह से आप नाराज हो गए तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप मुझे 5% का डिस्काउंट दे दीजिए, मैं 3 पैनल ले लेता हूँ। हाँ हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे अभी दे दीजिए, पता साथ में दे दीजिएगा, हम माल आपको पहुंचवा देंगे। ये लीजिए आपका पैसा। वाह दीदी, मैंने आपकी बोरी करा दी, लाइए हमें शगुन दीजिए। हाँ हाँ देंगे ना। पहले तुम्हारी जीजा जी खुशी खुशी मान तो जा। मैं नहीं मानने वाला, ऐसे 2-2 पैनल बेच के क्या हम पूरी 2500 पैनल बेच पाएंगे? जहर सर देखिएगा, एक एक करके ऐसे ही पूरा माल बिक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आपने वो हिंदी फिल्में नहीं देखी जिसमें हीरो प्रॉब्लम फंस जाता है और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मूवी हिट हो जाती है और इनमें लोग तालियां बजाते हैं? अरे वो फिल्म होती है फिल्म, और ये असल जिंदगी है, फिल्मों में असल जिंदगी में फर्क होता है यार। और संतोष जी मुझे पता है बिजनेस कैसे करते हैं, इट्स नॉट इजी, ऐसे नहीं होता है। हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपको बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। हमारे अंदर इतनी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि अगर इंसान में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो बड़े से बड़ी दीवार भी लांग सकता है। हाँ जीजू, जैसे शाहरुख खान DDLJ में एंड तक सिमरन के पीछे पड़ा हुआ था, और क्या हुआ, एंड में शाहरुख की हुई सिमरन। क्या बकवास कर रही हो तुम, बकवास पे बकवास किए जा रही हो, नहीं सुना तुम्हारी बकवास मुझे। और तुम धैर्य सर, आप गौर से देखिएगा, हमेशा कामयाबी के पीछे बुद्धि से ज्यादा हौसला होता है, अगर हौसला साथ हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है करो, मान गया मैं तुम्हारी बात, खुश बेचो, 2-2 पैनल बेचो,
पहले ये बताइए कि बेबी के कहने से माने हैं या सच को माने? अरे कैसे भी मान गया ना। यूपी, जीजू मान गए, जीजू। क्या? सॉरी, दीदी। लाइए। हाँ हाँ, ये लो कमीशन। गौ माता, अब संतोषी के पति को वास्तविकता का बोध होने लगा है। माते, सत्य कहा आपने। मनुष्य की यात्रा कितनी ही लंबी क्यों ना हो, किंतु एक एक पग से उसका गमन पूर्ण हो ही जाता है। अब यही गतिक्रम इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाएगा।